प्रेम की बात कर रहे थे। हरियाणा में प्रेम तो वैसे भी ब्याह के बाद ही होता है जी भाई, ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हरियाणा में प्रेम तो सबसे मुश्किल काम है, और संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे ही सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन आता है ना, बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। तो हमारा प्रेम जय भगवान जी अलग ही मामला है हमारा, तो बहुत भोलापन रहता है ना। वो प्रेमी कह रहा था प्रेमिका से, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोला अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। भैया ताली गूंजनी चाहिए, कमाल की बात है। सुपर सुपर, ये भोलापन है भाई, क्या भोलापन है इसमें। तो हमारा प्रेम ऐसा ही है जी, अलग तरह का मामला है। अभी मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। तो हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। वो एक 22-23 साल का लड़का जी, जबरदस्त बारिश में तर बतर भीगा हुआ, हलवाई की दुकान पर पहुंचा, बोला 5 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू के सोचते इस तूफान है, मेरी मां भेज देगी मन दही लेने। तो छिकारा साहब ये दही तो लानी पड़े जी, दही लाए बगैर तो गुजारा नहीं। तो हमारा प्रेम ऐसा ही है जी, बहुत अलग तरह का मामला है। हम तो यमदूत से मजाक कर ले, एक यमदूत पहुंच गया हरियाणा के छोरे के पास, बोले मैं तेरी जान लेने आया हूं। अरे बोले ले जा पड़ोस में रह। बहुत अच्छे। तनाव का कोई काम ही नहीं है जी। तो हम तो थोड़ी देर हंसेंगे, फिर पंवार जी को हमें सुनना है, तो आप आनंद से सुनिए, थोड़ी देर हंस लीजिए, फिर पंवार जी तो फिर देश और फिर दुनिया की बात करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो हरियाणा तक सीमित हूँ जी, हाँ इतना ही बहुत, और क्या अपना मौज लो बस, क्योंकि हरियाणा का मामला तो वैसे भी हास्य रस में ही रहता है जी। हमारे यहाँ हर संबंध हास्य रस में है, बाप बेटे तक के संबंधों में हास्य रस है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लूंगा। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया, तो बोले कैसे पता लगा बापू सोवे है जाग गए है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बनाई, चौकीदार की बनाई मोदी जी की नहीं। तो अगले ने चौकीदार की आवाज बनाई, बोले राम प्रसाद सोवे है जाग गए है? बोले जागू हूं। बोले जाग गए तो खोल दे। तो जब बाप बेटे के संबंध ऐसे हैं, तो बाकी संबंधों की तो आप कल्पना कर ही सकते हो। वो बटेऊ जो है पहली बार ससुराल जा रहा था, तो घर वालों ने समझाया, बोले देख पहली बार जा रहा है, 2 रोटी से फालतू मत खा लियो, इमेज खराब हो जाएगी खाम खा। बेचारा पहुंचा, 2 रोटी में कहां पेट भरा, और साली कह जी और लो? बोले ना ना मैं 2 ही खाता हूं। बोले नहीं और लो? बोले नहीं मैं तो 2 ही खाता हूं। अच्छा आधी और ले लो। बोला आधी तो कितनी आनंद दे। तो ये जो आनंद है ये जीवन में बहुत जरूरी है। दरअसल क्या है, मन का साफ होता है जी। वकील साहब बैठे हैं, मैं बताऊं आपको, हरियाणा का आदमी मन का साफ होता है, जो मन में है वो जबान पे। हम आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकते। वो एक मुकदमा चल रहा था, तो एक ताई का भाई के लिए आई, अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है, खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो ये छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी, उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूं, करनैल काणे का छोरा है यो, एक नंबर का ईयाश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। वत साहब, जज साहब ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैंबर में गए, दोनों वकील बुलाए,
बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। तो इतना साफ मामला है जी भैरव, और ये साफ मामला रहना भी चाहिए। अच्छा ये याद दिला रहा है एक जबरदस्त वो भैरव, वो एक दामाद पूछा ससुराल पति को, लेने तो सास कजी नहीं करता भेजने का, तो उसे हमने बाकी बच्चों से कहा बोले अपने जीजा को समझाओ, और अगर नहीं माने ना तो यूं कह देना हमारी माता जी की देवी आ जाती है, और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बालक पहुंच गए, बोले जी आजी अब ये नहीं भेजेंगे, बोले नहीं लेके जाऊंगा। बोला ऐसा हमारी माता जी की देवी आ जाती है, और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बोला देवी आ जाए देवा आ जा, मैं तो लेके जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सास जो है वो बाल बाल बिखेर के आ गई, बोले देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं। दामाद थोड़ी देर ड्रामा देखता रहा, फिर बोला भैरव आ गया लेके जाएगा। तो बड़ा भैरवनुमा मामला है जी। अच्छा हरियाणा में काम वही कर सकता जो हरियाणा का हो, जैसे डॉक्टर है कोई और प्रदेश का आके यहाँ डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता क्योंकि मरी बीमारी ऐसी बतावागा। पर डॉक्टर साहब काट जाए मैं कुछ धुम्मा सा उठा है, अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। अब डॉक्टर भी कमाल है, वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई, बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई, देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई, बोले ओहो तुम्हारी तो जींस ही रंग छोड़ती है। और बड़ा घुमा के इलाज करते हैं, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या क्या जी, उसके तो खांसी थी आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं साला, खांसने से पहले 100 बार सोचेगा।